अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, आज हम बना रहे हैं फिरनी। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहले हमने 12 लीटर इसके लिए दूध लिया है, पतीले के अंदर डाल दिया है और दूध के उबाला आने का इंतज़ार करते हैं। साथ में इसको ऐसा ऐसा हिलाते जाना है, अगर हिलाएँगे नहीं तो ये दूध नीचे लग जाएगा और जल जाएगा, खीर ख़राब हो जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दूध को उबाला आ गया है और यह है हमारा मटेरियल। इसमें 200 ग्राम पिस्ता बादाम है और तकरीबन 300 ग्राम जो है वो खीर मिक्स है पिस्ते वाली, तो बाकी तकरीबन 600 ग्राम हमने चावल इस्तेमाल किए हैं इसके लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा हम साथ में डालते जाएंगे और साथ में हिलाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा लगाते जाओ यार, थोड़े थोड़े करके डालने हैं ताकि ये ढेले ना बन जाए। बाकी जो चीनी है वो बाद में असली जरूरत इंशाल्लाह काम करेंगे। इसी तरह से हम वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी करके सारा मशीन डाल देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मटेरियल हमने तकरीबन डाल दिया है। तो अभी हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ पिसे हुए बादाम, छिलका उतार के हमने इनको ग्राइंड किया है। बादाम जो हमने छिलका उतार के इसके अंदर डाले हैं उसका मतलब ये है कि खीर का रंग जो है वो सफ़ेद रहे। अगर छिलके समेत बादाम डालेंगे तो इसका रंग जो है वो चेंज हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, इसलिए हमने छिलका उतार दिया है। तो बाकी इंशाल्लाह खीर जब तैयार होगी तो उसके ऊपर जो है छिलके वाले बादाम और पिस्ता वो बारीक करके इंशाल्लाह ऊपर भी लगाएंगे सजावट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, खीर हमारी जो है ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अभी हम इसके अंदर शामिल करते हैं चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन आधा किलो चीनी मैंने डाली है। इंशाल्लाह इसको चेक कर लेंगे, अगर कम हुई तो और डाल लेंगे। चीनी आप हद से ज़रूरत कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन एक घंटा पकाने के बाद फिरनी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह, अभी हम इसको ठंडा करते हैं और ठंडा करके बर्तनों में डाल के इंशाल्लाह फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे, तो सुबह इंशाल्लाह ये सही खाने वाली होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खीर हमारी ठंडी हो गई थी, अभी हमने बर्तनों के अंदर डाल दी है और मैं पिस्ता बादाम ये चीज़ें लगा रहा हूँ ऊपर, सौंगी भी है साथ में। देखिए माशाल्लाह, एक के ऊपर लग गई है और मैं दूसरे के ऊपर लगाता हूँ। सबसे पहले हैं बादाम, सौंगी और आखिर में ये पिस्ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट की है, बहुत मज़ेदार बनी है, तो आप भी ज़रूर बनाना इंशाल्लाह, एक घंटे में बन जाएगी बहुत मज़ेदार। तो वीडियो को देखने के बाद शेयर लाजमी कर दें और जो दोस्त नए हैं वो हसब रवायत जैसे कि बोलते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि अंदा नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।